संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। रचनानुवाद कौमुदी से हमने 6 अध्याय जान लिए हैं, 7वें अभ्यास जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमने आपसे वादा किया था कि कौन सा लकार कैसे किस में प्रयोग होता है, वो आज हम नहीं बता पा रहे हैं, कभी समय मिलेगा तो उसको अवश्य बताएंगे। 7वां अभ्यास है और उसमें थोड़ा सा 5 मिनट हम शब्द को उसको देते ही हैं। 7वें अभ्यास को आप कंठस्थ कर लें। ये सारे अभ्यासों में 60 अभ्यास हैं, 60 अभ्यास में 7वें अभ्यास जो है इसमें जो दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू शास जी मत मशाम, ये जो धातुएं दे रखी हैं ये इतनी मुख्य हैं, ये परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछी जाती हैं, क्योंकि इसके जो शब्द हैं अर्थात इनके जो रूप हैं वो बहुत ही थोड़ा क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, तो इनको अवश्य याद करना है। धातु कहीं से भी ढूंढ लें, ऐप्स चल रहे हैं बहुत सारे, मैंने बताया था आपको, ऐप में जाएं और उनको देखते रहें और करते रहें। हालांकि बृहद अनुवाद चंद्रिका भी है, चंद्रधर नौटियाल की है शायद, वो उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें सारी धातुएं दे रखी हैं, आपको इनको कंठस्थ करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी कठिन है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। और इसमें जो पंचमी भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है लिट लकार का, उसके बारे में जान लेते हैं। अजा बकरी वसुधा, यानी कि आ स्त्रीलिंग में चल रहा है, रमा की तरह रूप चलेंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि रमा के रूप आपने कंठस्थ कर लिए होंगे, रमा रमे रमा रमा रमे रमा, इस तरह से अजा वसुधा सुधा जटा क्षमा तंडुलाहा दुग्धम शतम, ये तंडुला राम की तरह रूप चलते हैं, इसके दुग्धम और शतम इसके कैसे रूप चलेंगे वो देख लेंगे, वैसे नपुंसक लिंग है ये। आगे कह रहा है कि ब्रह्म रूह त्यज वस नी हिरे कृष वह, यही सारे धातुएं हैं, ब्रू मत मुश आदि धातुएं हैं, इनको रूप जो चलेंगे, वैसे तो इसमें भवती भती दे रखा है लेकिन आपको याद करना है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है ये। रमा के रूप पूर्ण रूप से स्मरण करो, इसमें साफ लिख रहा है, देखें 13 पे जाकर के नियम 16 इन में लगेगा, रमा क्षमा सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के तुल्य चलेंगे। लिट लकार भविष्यत काल का इसमें अध्ययन करना है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः, इस तरह से इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावे, पठिष्यति पठिष्यति लेखिष्यति गम है गमिष्यति पठधन इष्यति, ई इसमें आ जाएगा तो बन जा रही है पठिष्यति, ठीक है। ऐसी लेख लेख धातु, लिख धातु हालांकि वो, लेकिन जैसे लिख धातु लेख बन जाता है, लेख से लगाएंगे हम सीधे लेख धन इष्यति, इसमें ई लग जाएगा तो बन जाएगा ये लेखिष्यति, ठीक है। इसी तरह से अन्य शब्दों को भी हमें जानना चाहिए, हसिष्यति आगमिष्यति, गच्छ नहीं होगा इसमें, भविष्य में गच्छति नहीं होता, गम रहता है सीधा, गमी गमिष्यति गम धातु हम जानते ही है, और इष्यति इसमें लग जाएगा गमिष्यति, और आ लगाना हो तो इसमें आगे आ भी लगा सकते हैं, उपसर्ग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर संधि होती है तो उसमें संधि कर दी जाती है, सीधे रूप चलते हैं, ठीक है। चले आगे कह रहा है, रक्षिष्यति वदिष्यति पतिष्यति स्मर स्मरिष्यति क्रि करिष्यति अस भविष्यति, अस के रूप भू की तरह चलेंगे, आसमानी होना अस्थि सता संति रूप याद करे थे आसमानी होना, तो उसका लिटर कार में भव की तरह रूप चलेंगे, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ऐसे ही अस के भी भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ये रूप पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में, इसको बहुत पूछ लिया जाता है कि अस का लिटर कार में कौन सा रूप चलेगा, तब गड़बड़ा जाता है मामला, क्योंकि भविष्यति हमने भू का याद किया है। चुर चोरिष्यति चोरय बन जाएगा इसमें धातु, चुर धातु है उसको चोरय बन के इष्यति बन जाएगा, तब इसमें कोई भी
दिक्कत नहीं होगी। इसमें आ जाएगा इष्यति, ठीक है। चोरयिष्यति ऐसी चिंतयिष्यति कथय चिंतय एशिष्यति इष धातु है, इच्छ, इसका इच्छ हुआ था, इसमें एश हो रहा है, ठीक। इष्यति यही रूप चलेगा सीधा। शिष्यति सही है। इसमें समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा है, समझते चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खादिष्यति धाविष्यति क्रीडिष्यति चलिष्यति भ्रमिष्यति हरिष्यति ज्वलिष्यति चरिष्यति वर्षिष्यति। इसमें तो हमने इष्यति का लगाया, इष्यति। अब जो आगे की धातु बताई जा रही है उसमें स्यति लगता है, ऐसे करके रूप बना लेंगे, ठीक है। दे रखा है इसमें पच पक्षयति, पच का सीधा पक्षयति, नंसयति, नम का नंसयति। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सातवें अभ्यास वेरी वेरी इंपोर्टेंट मानिए आप। बहुत ही इसमें से शब्द पूछ लिए जाते हैं, धातु रूप पूछ लिए जाते हैं, आपको उनको याद कर लेना है। और इसमें से कभी बात कर रहे हैं तो कर्मवाच्य के बारे में भी पूछ लिया जाता है धातुओं से, क्योंकि 16 धातुओं से द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। दृश का द्रक्षयति, सत्स्यति स्थास्यति पास्यति घ्रागा घ्रास्यति जेष्यति तोष्यति तोत्स्यति द्रक्ष यह स्पृश्यति स्पृक्षति प्रक्षयति रोक्षयति त्यक्षति वत्स्यति नी का नेष्यति कृष का करक्ष्यति वह का वक्षयति। अब वह धातु याद करेंगे तो लिटरकार में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वक्षयति दह दक्षयति तप्स्यति गई गास्यति। एक बार और बता दूं, आपको इसको याद करना है, सातवें अभ्यास को 3 से 4 बार करनी है। उसके बाद में नी आदि को क्रमशः लटलकार के रूप चलेंगे, नयति हरति कर्षति वहति दोग्धि याचति दंडयति रुद्धि चिनोति ब्रवीति शास्ति मतनाति मुषणाति। ये इसको रूप दे रखे हैं नीचे, जो 16 धातुएं हैं। नियम इसमें 21 में दे रखा, ये धातुएं द्विकर्मक मानी जाती हैं, अर्थात इन धातुओं से होने वाला जो कर्म है वो गौण कर्म माना जाता है। इसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया है 16 धातुओं को, और आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। समय निकाल करके आप जा करके हमारी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। 1 मिनट इसके अभ्यास को भी देंगे। खैर अभ्यास सीधे आप अपने आप से कर लेना, हम सीधे संस्कृत बनाव पर चलते हैं। अभ्यास 7, ठीक है। इसमें का खा गा घा इन 4 भागों में बांट दिया गया है, रूप सिखा रहे हैं, ये कंठस्थ करा रहे हैं, नियम भी बता रहे हैं साथ साथ। वह लिखेगा, जो लेखिष्यति हम जाने अभी, सा लेखिष्यति वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति वह हसेगा, सा हसिष्यति वह ऊपर जाएगा, सा ऊपरी गमिष्यति गम जाना, वह सह अधा आगमिष्यति क्योंकि आगा रूप देखा था हमने, रमेश रक्षा करेगा, रमेशः रक्षिष्यति, देवेंद्र बोलेगा, देवेंद्रः वदिष्यति, वह पकाएगा, सह पक्षयति। अब पक्ष की क्यों पक्षय लगाया इसमें, ठीक है ना, पक्ष का हमने आया था पक्षयति। आगे घा में ये तो हो गया प्रथम पुरुष, अब मध्यम पुरुष में याद रखना है ये सभी को, अब धीमे 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 समझाते चलेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, का खा गा, गा में उत्तम पुरुष पहुंच जाएंगे सीधे। तू गिरेगा, गिरने की क्या है इसमें देखना पड़ेगा, पत होता है, पतत मानी गिरना, पतित शक्ति पतिशशि पतिशता पतिशंति इस तरह चलेंगे इसके। तो तुम पतिशशि, तू नमस्कार करेगा,
त्वम नमस्कार करने की हमने यहाँ था नंस्यति नंस्यता नंस्यसि इस तरह रूप चल रहे हैं इसके, तो इसमें नंस्यसि इस तरह रूप चलेंगे। ठीक है, त्वम नंस्यसि तू देखेगा, देखने की दृश्य है, द्रक्षयति द्रक्षता द्रक्षन्ति इसमें सीधा ही रखा द्रक्षयति रूप चलेंगे, तो द्रक्षयति द्रक्षता द्रक्षयन्ति द्रक्षयसि त्वम द्रक्षयसि तू बैठेगा। अब इसमें स्था और सद दोनों के हैं, सत्स्यति सत्स्यता लगता है सद का इसमें है, सत्स्यति सत्स्यता सत्स्यति और स्था का स्थास्यति स्थास्यता स्थास्यति इस तरह रूप चलते हैं इसमें, कहीं है या नहीं ये नहीं पता मुझे, है स्थास्यति स्थास्यता इस तरह रूप चलते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, सत्स्यसि त्वम सत्स्यसि तू जल पिएगा, पास्यति पास्यता पासन्ति है ना, तो त्वम जलम पास्यसि तू फूल सूंघेगा, घ्रास्यति आया है इसमें, तो घ्रास्यति घ्रास्यता घ्रास्यन्ति घ्रास्यसि त्वम पुष्पम घ्रास्यसि तू ईश्वर को स्मरण करेगा। मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें लिखवाने के लिए कुछ है नहीं, मौखिक करने के लिए अभ्यास है ये, जितना हम अभ्यास करेंगे हमारे मस्तिष्क में उतनी ही रूपरेखाएं बनती चली जाएंगी। तू ईश्वर को स्मरण करेगा, स्मरिष्यति आता है ना इसमें, इसमें पता नहीं दे रखा नहीं दे रखा, स्मरिष्यति आएगा। ठीक है, कहां चला गया, त्वम ईश्वरः या ईश्वरम, ठीक है, त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि तू राज जीतेगा, जेष्यति जेष्यता जेष्यन्ति इसके रूप चलते हैं, हाँ ऐसे चलेंगे, तो जेष्यसि आ जाएगा, तो त्वम राज्यम जेष्यसि। अब आते हैं गा यानी कि उत्तम पुरुष को समझाएंगे, अब ये इनके अभ्यास करने से ही हमको रूप अपने आप स्वतः ही याद होते चले जाते हैं, दो तीन बार करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको देखना नहीं है तब याद होंगे। मैं धन नहीं चुराऊंगा, अब चोर की हमें जानी थी, चोरय बन के मान चोरय चोरयष्यति चोरयष्यता चोरयष्यन्ति, तो चोरयष्यसि चोरयष्यामि चोरयष्यावा चोरयष्यामः इस तरह चलेंगे, तो अहम धनम न चोरयष्यामः चोरयष्यामि अहम धनम न चोरयष्यामः चोरयष्यामः लगा देता हूँ और बार अहम धनम न चोरयष्यामि मैं सोचूंगा अहम चिंतयष्यामि मैं कथा कहूंगा अहम कथाम कथिष्यामि मैं खाना खाऊंगा अहम भोजन वक्षिष्यामि। ठीक है, इस तरह से रूप बन जाएंगे। मैं धन चाहूंगा अहम धनम चाहने की क्या है इसमें, इच्छमान चाहना शायद, हाँ एशिष्यामि मैं फूल छूंगा स्पर्श लगता है स्प्रक्षति स्प्रक्षता इस तरह से, हाँ ऐसे ही चलेगा स्प्रक्षति स्प्रक्षता स्प्रक्षन्ति स्प्रक्षसि तो स्प्रक्षामि अहम मैं फूल छूंगा तो अहम पुष्पम स्प्रक्षामि मैं प्रश्न पूछूंगा अहम प्रश्नम प्रक्षामि प्रक्ष चलेगा इसमें मैं यहाँ रहूंगा अहम अत्र वत्स्यामि रहने की पता नहीं क्या है, हाँ सही है वत्स्यामि इन्होंने बोली लगाई है वस मैं रहना। अब बचता है घा, घा में अब इसकी पूरी जो नियम दे रखा है 21वां दुह याच पच दंड वाला ये पूरा इसमें व्यवस्था दी गई है। वह राजा से भूमि मांगता है, एक देख लेते हैं फिर उसी की तरफ प्रयोग करेंगे सब। वह राजा से भूमि मांगता है, ठीक है, अब राजा से मांगी जा रही है, अलग हो रही है, तो अलग अर्थ में हमने जाना था, अलग अर्थ में क्या जाना था कि अपादाने पंचमी अर्थात अलग होने में अलगाव में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि याच लग रहा है याच जातु दोहु याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू शास जी मत मुसाम ये जब भी धातु आ जाए उनको आंख बंद करके दोनों से इससे भी और इससे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लीजिए, इससे तो कर्म था ही था
ये तो कर्म है ही है, लेकिन ये जब कर्म बनेगा तो ये गौण कर्म है, ये मुख्य कर्म है। कभी कभी पूछ लेता है कि इस, ये बहुत आते हैं, अच्छा आप टीजीटी पीजीटी को उठा करके देखें, प्रश्न पत्र अध्ययन कर रहे हैं, तो इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से गौण कर्म किसमें प्रिय हुआ और मुख्य किसमें प्रिय हुआ, किस कारण से हुआ है। इस तरह से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो सहा नृपम भूमिम याचते, ठीक है, सहा नृपम भूमिम याचते। आगे कह रहा है, वह चावलों से भात पकाएगा। अब पकाने की पचाती है, पक्षेति पक्षेति पक्षता पक्षेंती, इस तरह से। तो क्योंकि लिटर कारण प्रयोग कर रहा है, यहां पर याद रखना है लट लकार का प्रयोग है, यहां लिट लकार का प्रयोग है। तो सहा तंडुलान, क्योंकि बहुत सारे चावल हैं, सहा तंडुलान ओदनम पक्षयति, वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा। तो सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्षयति, ठीक है, प्रश्न पूछने की क्या है इसमें, है या नहीं मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रक्षमानी पूछना होता है, प्रक्षेति प्रक्षता रूप चलते हैं इसके, इसमें नहीं दे रखा कहीं। खैर, वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा, सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्षयति, वह शिष्य को सत्य बताएगा, सह शिष्यम सत्यम वदिष्यति, रमेश दुर्जन से 100 रुपये जीतेगा, रमेशः दुर्जनम शतम जेष्यति, ठीक है। दिनेश नगर में बकरी को लाएगा, दिनेशः नगरम अजाम, मैं पेपर है, हालांकि इसमें सप्तमी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें नी हिरे कृष वह धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए दिनेशः नगरम अजाम लाएगा, तो नी की आनेष्यति लाएगा, आ लग जाएगा, ठीक है, आनेष्यति, हरति आहरति, कृषति क्या बन जाता है, अच्छा इसमें वो लगेगा, हृष्य की क्या बनेगी, हरिष्यति हो जाएगा, आहरिष्यति, और कृष की क्या आ जाती है, कर्क्षति हो जाती है, तो आकर्क्षति हो जाएगा, वह वक्षति हो जाती है, तो आवक्षति का प्रयोग, वक्षयति का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से ये पूरा बना दिया गया है, 30 इसमें वाक्य थे, उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अशुद्ध और शुद्ध हैं, फिर इनके अभ्यास की बात है, चौथा अभ्यास है, इसमें सारे रूपों को लिखना है आपको लट लकार में, और पास्यति द्रक्ष्यामि स्थास्यामि स्पृक्षति प्रक्षति वत्स्यति घ्रास्यति जेष्यति, इनके रूप सीधे सीधे वाक्य इसमें बनाने हैं, आपको ये अभ्यास करना। मैंने तो सिर्फ इसमें जल्दी 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 आपको इसमें बताने का प्रयास किया है, इससे आप अभ्यास करिए, बनाने का अभ्यास करिए, फिर मिलाइए, और इसमें कुछ नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।